आप जाओ उनकी पत्नी के हृदय में चाह। भगवान गए साधु वेश में, का भिक्षाम दे, गृहस्थ धर्म में यदि कोई भिक्षुक आया है भले आप ना दे सकें। राधा वल्लभ श्रीवास, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की भगवत कथा में बताया गया है कि जब चारों तरफ से दुख कलेश और विपत्ति घेर ले तो उस समय अपने मन को कैसे समझाएं कि भगवान होते हैं। आज की भगवत कथा में महाराज जी ने इसी का वर्णन किया है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों और विपदा में मन को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि प्रभु हमारे साथ है। इस मुश्किल समय में मेरा प्रभु की तरफ रुझान और बढ़ गया है और कृष्ण में जीवन भी है पर... हाँ, अगर सुख में भगवान का सुमिरन करने का अभ्यास किया है तो दुख में बहुत गाढ़ चिंतन भगवान का होने लगेगा। और सुख दुख बाहरी परिस्थिति है, उसे हम अंदर स्वीकार न करें। अंदर की स्वीकृति से हम परास्त हो जाते हैं, ये बाहर आता है, ये भी बाहर ही है, ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। जो मेरा स्वरूप है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुता। कौन सा ऐसा दुख है मुझे छू सकता है जब अग्नेय अस्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र ये हमें छू नहीं सकते। हाँ, इस शरीर प्रकृति का है, इसने जो अशुभ कर्म किए वो दुख बनकर आएंगे, जो शुभ कर्म किए वो सुख बनकर के आएंगे। सुख भी यहाँ टिकाऊ नहीं है तो दुख भी यहाँ टिकाऊ नहीं है। जैसे बिना मांगे सबको दुख मिलता है, ऐसे बिना मांगे तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख मिलेगा। तुम वो पुरुषार्थ करो जो तुम्हें सुख और दुख दोनों से महान ऊपर उठा दे, जो सुख दुख में समान, जो लाभ हानि में समान, जो जय पराजय में समान कर दे, उसी का नाम है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। और वो आप कह रहे कर रहे हैं, तो विपत्ति में तो और गाढ़ हो जाना चाहिए, कहीं त्रुटि हो रही नहीं। कुंती जी ने तो भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा विपत्ति क्यों मांगा, बोले जब विपत्ति आती है तो आप मुस्कुराते हुए मेरे समीप नजर आते हो। आज जब हस्तिनापुर के सम्राट पद पर युधिष्ठिर विराजमान हो गए तो आप पीठ दिखाकर द्वारिका जा रहे हो। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जब आपका पीताम्बर फहरा रहा है और आप हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। जब हम सुख में भगवान का चिंतन करते हैं तो दुख में हमारा गाढ़ चिंतन होने लगता है, और जब हम सुख में उसका भोग करते हैं तो दुख को जबरदस्ती भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत को मानिए, ये अध्यात्म है। यहाँ जो भी उत्तर होगा वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे और अध्यात्म के अंतर्गत होगा। जब हम सुख को हर्षित होकर भोगे हैं तो जबरदस्ती दुख को शोकित होकर भोगना पड़ेगा। और अगर सुख को हमने समाज सेवा में लगाते हुए, भगवत चिंतन करते हुए उसका भोगता नहीं बने धैर्य पूर्वक, तो दुख भी आपको कोई प्रभाव नहीं दे पाएगा। बड़ा सब बड़ा दुख, चाहे शरीर रोग से ग्रसित हो या बाहर भारी प्रतिकूलता हो, वो निराश नहीं होता। आप देखो, ये वह कथा है जब सुदामा जी को भिक्षा नहीं मिलती थी कई कई दिनों तक, तो कृष्ण भगवान उनकी पत्नी से परीक्षा लेने आए, तो जब उन्होंने कृष्ण भगवान ने बताया उनको कि द्वारकाधीश के वो मित्र हैं, तब सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को द्वारकाधीश जाने के लिए कहा, उनसे मांगने के लिए, तो सुदामा जी ने सीधे मना कर दिया। तो फिर उनकी पत्नी ने सिर्फ कहा कि सिर्फ आप भेंट कर आइए कि ताकि अगर कृष्ण भगवान देखेंगे इनकी दरिद्रता को तो इनको कुछ दे सकें। तो ये कथा वहीं की महाराज जी बता रहे हैं, तो चलिए कथा को और आगे सुनते हैं। सुदामा जी को कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी और गृहस्थ थे, बच्चे थे। पत्नी कभी कभी बहुत ही दुखी होकर कह देती कि हम और आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को केवल तुलसी दल और चरणामृत से हम कई दिन जीवित रखें। सुदामा जी बिल्कुल विक्षेप नहीं धारण करते, कहते थे मेरे श्री कृष्ण जैसे चाहें। गजब है, मतलब हद है, भगवान की भक्ति की सहनशीलता की चरम सीमा। उनका जैसे श्री कृष्ण रख रहे वो हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, दोष दर्शन नहीं किया कि मैं अनन्य होकर उनका भजन करता हूँ, मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती, चलो मुझे ना मिले मेरे बच्चे भूखे। तो देखो जब ये यहाँ ये सोच रहे हैं तो ये था मम प्रपद्यन्ते तासतवि भजाम्यम। वहाँ भगवान को जब रुक्मिणी जी ने भोग सामने अर्पित किया तो भगवान ऐसे कवल लिए रुक गए, उदास हो गए। रुक्मिणी जी ने बराबर भगवान के मनोभाव को पकड़ा है, वो पकड़ गए। उन्होंने कहा जरूर किसी महाभागवत के जीवन में कष्ट है, नहीं ये स्थिति भगवान के मैंने जब जब देखी तो किसी भक्त को कष्ट,
उनका प्रभु किस भक्त को ऐसा कष्ट है कि आप कवल नहीं पा रहे? बोले हमारा एक मित्र है सुदामा, कई दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, पर वो इतना निष्ठावान है कि ना मुझसे प्रार्थना कर रहा है और ना वो दुख का अनुभव कर रहा है, वो राजी है इसमें, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोले प्रभु मैं आपकी दासी हूं और वो ऐसी गरीबी से रहे, आप अभी तक क्यों नहीं बोले? बोले उसके अंदर कामना नहीं है, जब तक मेरे भक्त के हृदय में कामना नहीं होती मैं ये झूठा माया का संसार का ये सुख नहीं देता हूं। पर उसका परिवार है, उसकी पत्नी है और वो चाह कर रहे हैं, अगर सुदामा के अंदर चाह हो जाए तो मैं अभी त्रिभुवन की राज्यलक्ष्मी दे दूं, पर उसके अंदर चाह मैं पैदा नहीं कर सकता, मैं नहीं पैदा कर, देख लो भक्त के हृदय से भगवान कह रहे मैं चाह नहीं पैदा कर सकता। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मैं महालक्ष्मी हूं, अगर आप चाह पैदा करना चाहते तो मुझे एक उपाय, उनकी पत्नी के हृदय में चाह हो सकती है, आप जाओ उनकी पत्नी के हृदय में चाह। भगवान गए साधु वेश में, कहा भिक्षाम दे, गृहस्थ धर्म में यदि कोई भिक्षुक आया है भले आप ना दे सके पर मृदु संभाषण करना चाहिए। जी क्या चाहिए? हमें धन चाहिए। नहीं हम नहीं दे सकते, आप जल पर उचित लगता है तो गेट खोलिए, नहीं अंदर से उत्तर दीजिए, हमारे यहाँ कोई है नहीं, आप फिर कभी आइएगा जब घर में कोई हो, अभी मैं असमर्थ हूं। पर ऐसा निकली वो भी और कहा कि मैं ऐसे बालक का जन्म दिया है कि हम आपको कुछ दे नहीं सकते। भगवान ने कहा तो 13 दिन 15 दिन में पवित्र हो जाते हैं, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगा। तो उनका नहीं, हम आपको बताया हमने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम आपको कुछ नहीं दे सकती। बोले ऐसा कौन सा बालक? बोले दरिद्रता, मैं दरिद्र हूं, ना घर में कुछ है ना हमारे पति के पास कुछ है। तो उनका कैसी बात तुम करती हो, जिनके द्वारिकाधीश मित्र हैं सखा हैं वो दरिद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार अपने पति से कहो ना द्वारिकाधीश के पास जाए। अब वो जेवी सुदामा जी भिक्षा करके आए, उनकी पत्नी ने कहा सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश है? बोले हाँ है। बोले आप जाइए वो कुछ दे देंगे? बोले कभी नहीं जाऊंगा, इस भाव से क्यों मुझे दे दे, मैं क्यों जाऊं, मुझे जैसे रख रहे मैं आनंद में हूं। बोले दर्शन करने तो जा सकते हो। उन्होंने सोचा अगर जाएंगे इनकी हालत तो देखेंगे, जरूर दे दें, हाँ दर्शन करने जा सकते हैं। अब मित्र के पास, गुरु के पास, इष्ट के पास कुछ पत्रम पुष्पम फलम, उनका आपने बहुत दिनों के बाद प्यार प्राण प्यारे मित्र के पास जा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए, यहाँ जब अपने नहीं है तो उनको क्या ले जाऊं? उनका अगर यही बात है ले जाना है तो मैं प्रयास करती हूँ। वो अपनी एक सखी के पास गई, वो भी जो चावल के आगे टूटे हुए होते हैं ना वो दिए 4 मुट्ठी, तो एक फटे से कपड़े में बांध कर कहा ये फेंक, आप जरा देखिए भक्त की महिमा, इतने पर भी वो विचलित नहीं है। पूरी तो बहुत विस्तृत कथा है। वहां जब द्वारपालों के समीप पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने देखा फटा कपड़ा, किसी तरह अंग ढके हुए, हड्डी हड्डी शरीर में, और वो कह रहे हैं कृष्ण से जाके कह दो कि तुम्हारे मित्र आए हैं मिलने के लिए। देख रहे हैं ये कैसे, कहीं मित्र में थोड़ी तो समानता होनी चाहिए, ना इनके वस्त्र सही है ना इनका शरीर, इस कोटि का कृष्ण ये भगवान के मित्र हो सकते हैं? द्वारपालों बोले एक बार मेरी प्रार्थना है, तुम जाके कहो कि सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए। चलो भगवान से कहते जे ही कहा प्रभु कोई सुदामा मिल तो भगवान। अगर वीडियो को आप लोग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो अगर लाइक नहीं अभी तक किया है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। चलिए कथा को आगे सुनते हैं। पान रुक्मिणी जी के पलंग पे विराजमान थे, रुक्मिणी जी वायु कर रही थी पंखा से, कूद पड़े अश्रु प्रवाह करते हुए दौड़े और जो सुदामा जी से मिले जाके ना वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी मिलने आते हैं तो कुछ क्षण विलंब होता है लेकिन भगवान अविलंब भागते हुए आए। ऐसा भगवान सुदामा जी को ले उनके चरण पखारे, देखो हमारे भगवान की करुणा। और फिर बाद में सबके सामने क्या कुछ लाए हो, भला इतने महान प्रभु जहां इतना वैभव अब वो कैसे देते बने? भगवान ने कहा देखो पहले भूल की थी अब फिर भूल कर रहे हो, और ऐसे पकड़ के उठाया फटे कपड़े में टूटे हुए चावल का आगे का किनका,
भगवान ऐसे ले रहे हैं, और भगवान का रोम रोम पुलकित हो रहा है, और भगवान कह रहे हैं आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट कभी पदार्थ नहीं पाया। बोलो क्या उसमें स्वाद? जैसे ही भगवान ने पाया ना, भगवान पुलकित हो रहे, किस बात को? भक्ति को, भाव को देख करके। और भगवान ने जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना कर दी। यह रही आज की भागवत कथा, जिसमें हमने जाना कि सुख और दुख में हमें समान भाव रखना चाहिए। दुख में भगवान को भी नहीं भूलना चाहिए और सुख में सुखी होकर भगवान को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट भागवत कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।